जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको 6.1 और 6.2 जो है वो क्लियर करवा दी थी, वो मेरी कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो ज़रूर विजिट कीजिए उन वीडियोज़ को, ज़रूर विजिट कीजिए। और आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप 6.1 और 6.2 जब क्लियर होगी, तभी 6.3 भी हम क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो उन एक्सरसाइज को लाजमी विजिट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो 6.3 के हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इनको किस में राइट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। जैसे लेट करेंगे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 0.093, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो अपना पॉइंट है ना वो फर्स्ट कॉन्स्टेंट नंबर के साथ लेकर आना होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टेंट नंबर कौन सा आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है। 9 के बाद हमने कॉन्स्टेंट नंबर के बाद पॉइंट लेकर आना होता है, और जितने मिड में वैल्यूज आती हैं उनकी पावर वो बन जाती है, 10 की पावर बन जाती है। तो मैं बेसिकली बताता हूँ किस तरीके से। अब 9.3 आ जाएगा ना पॉइंट, यहाँ से उठकर पहले नंबर के साथ गया। हमेशा में हमने पॉइंट क्या करना है, पहले नंबर के साथ लेकर आना है। तो पॉइंट क्या आया, पहले नंबर के साथ आया है। तो देखें मिड में कितनी वैल्यूज आ रही है, 1, 2, इसकी पावर क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बन जाएगी, -2। अगर तो हम पीछे से आगे की तरफ मूव करें, पीछे से आगे की तरफ मूव करें, तो पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी। पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और अगर हम, मैं लिखता हूँ 9.3.1.2, तो अगर हम पीछे से आगे से पीछे की तरफ आए तो क्या करेंगे, पीछे से आगे की तरफ आए तो हम क्या करेंगे, इनके साइन, इनकी पावर को क्या कर देंगे, आगे से पीछे की तरफ आए तो इनकी पावर 3.1.2 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अगर तो हम आगे से पीछे की तरफ आए तो क्या करेंगे, हम इनकी पावर को पॉजिटिव में लिखेंगे। पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 आ रही हैं, तो हमने 2 वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इसकी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पीछे से आगे की तरफ मूव करें तो पावर हमने नेगेटिव में लिखनी है, और आगे से पीछे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो हम पावर किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्या करना है, बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, 6.3 एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, ये क्या है, 0.051, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम, मैंने अभी आपको बताया इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इक्वल टू 0.051 है। तो हमने पॉइंट बेसिकली पहले डिजिट नंबर के साथ लेकर आने, कॉन्स्टेंट नंबर के साथ यहाँ पर आएगा, तो दरमियान में जितनी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2। क्योंकि जब हम पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में, नेगेटिव में आएगी, सॉरी, ठीक है, पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। और जब हम आगे से पीछे की तरफ आएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ये पावर क्या है, नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट नंबर के बाद आया, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर इसके 2 की बात करते हैं, तो पार्ट नंबर 2 में देखें 89.99, तो 89.99, तो देखें ये बेसिकली कैसे सॉल्व होगा। तो पॉइंट ने आगे से पीछे की तरफ आना है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8.999 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 की पावर क्या आएगा, 1, क्योंकि बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम पीछे से आगे की तरफ आए तो साइन क्या होंगे, माइनस होंगे। अगर आगे से पीछे की तरफ आएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव में वैल्यू लिखी जाएगी, उसकी पावर लिखी जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं तो 0.424, तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट नंबर के साथ लिखेंगे, तो मिड में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, सिर्फ एक ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे से आगे की तरफ पॉइंट मूव हो रहा है तो नेगेटिव में लिखेंगे। और इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर 4 की इसकी बात करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, 2566324, तो मैं क्वेश्चन दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ, 2566324, ठीक है। तो हमारे पास अब देखें पॉइंट हमेशा एंड पर लगता होता है, अगर पॉइंट कहीं पर भी ना लगा तो इसका मतलब होता है कि वो एंड पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ने उठकर पहली वैल्यू के साथ आना है,
तो देखें मिड में कितने हमारे पास नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं मिड में, 6 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट को मूव करते हैं 2 के साथ, 2.56623 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्यों, मिड में कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, तो उसकी जब हम आगे से पीछे की तरफ मूव करते हैं तो पावर क्या आती है हमारे पास, पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे जब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, तो इनको बेसिकली हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि जब अगर पॉइंट पीछे है, पीछे से आगे की तरफ नेगेटिव में वैल्यू लिखनी है, पावर लिखनी है, और आगे से पीछे की तरफ जब मूव हो तो पॉजिटिव में पावर लिखनी है। ठीक है, जितने कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास हुए। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, 0.00012345645675। तो देखिए हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 60 है, हमने पॉइंट कहाँ पर लेकर जाना है, अपने फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पर आएगा 7 के बाद, 7 के बाद आएगा पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, -7। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, मिड में दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, नंबर आ रहे हैं हमारे पास 7 आ रहे हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से आगे की तरफ पॉइंट मूव हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। तो जब हम आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें हमारे पास क्या है, राइट इन द डेसिमल फॉर्म। अब हमने इसको किस में लिखना है, बेसिकली डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखें क्या है, 0.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या है, 4 है, 10 की पावर हमारे पास क्या है, 4 है। अब इसको देखें कैसे सॉल्व करना है, तो वही मेथड है। ठीक है, मेथड वही है, तो पॉइंट क्या पर 8 के बाद शिफ्ट होगा, फर्स्ट कॉन्स्टेंट नंबर के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4। क्यों -1 क्यों है, क्योंकि पॉइंट पीछे से आगे की तरफ मूव हो रहा है, पीछे से आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो क्या इट्स मीन दैट कि वो नेगेटिव में पावर आएगी। तो मिड में कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये इसके साथ वैल्यू लिख दिया जो ऊपर लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8.6 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर। अब देखें यहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ पर कितने, अब जब अगर पावरें, मतलब के पावरें आपस में ऐड हो सकती हैं ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो तो आपस में पावरें क्या हो सकती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। -1 प्लस क्या आ जाएगा, 4, 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3, 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं 86 करूँ डिवाइडेड बाय क्या करता हूँ, 10 करता हूँ, अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट खत्म करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, आगे जितने नंबर होते हैं उसकी जगह क्या आता है, 0 आता है, आगे कितने नंबर है, 1 नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। तो इसको हम आगे इधर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 86, मैंने यहाँ पर बेसिकली इसका पॉइंट खत्म कर दिया है, तो नीचे क्या आ गया, 1, आगे जितने नंबर होते हैं उसकी जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या, 3 है। अब इसके ऊपर 10 की पावर क्या है, 1 है, तो जब इसको हम ऊपर मूव करेंगे तो जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है पावर, अगर पॉजिटिव में ऊपर जाकर क्या होती है, पावर नेगेटिव में हो जाती है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू 86 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 86 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो 10 की पावर 2 का क्या मतलब है कि ये 100 है, 10 ने कितनी दफा मल्टीप्लाई ना, 2 टाइम्स, 10 टाइम्स क्या होता है, 100, 86 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या आ जाएगा, 8600 हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8600 फाइनली इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने आज आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 तक सॉल्व करवाया। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी इन क्वेश्चंस की कि कैसे सॉल्व होने हैं। फिर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली हमने करना क्या, अगर तो पॉइंट पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो उसके क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव में लिखी जाएगी। अगर आगे से पीछे की तरफ आ रहा है तो पावर क्या लिखी जाए, पॉजिटिव लिखी जाएगी। और आपने ये हमेशा याद रखना है कि पॉइंट फर्स्ट पहले डिजिट नंबर के साथ आपने लिखना है। ठीक है, वहाँ पर बेशक 8 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो अगर पहले जैसे लिखा हुआ है
86.45। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर यहाँ पर वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है, तो पॉइंट आपको पता है हमेशा एंड पर होता है, एंड से हमने उठाकर पहले लेकर आना है, ठीक है। तो पहले कितनी वैल्यूज आ रही हैं, थ्री वैल्यूज आ रही हैं, क्या आ जाएगा 8.645 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि इसकी पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी अगर हम आगे से पीछे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो जो मैंने क्वेश्चन डेसिमल की फॉर्म में सॉल्व किया है, इनकी पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और हमने फाइनली अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। तो मेरी 6.2 और 6.1 की भी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और हमारे GS Academy यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7-2 ऑनवर्ड आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।